करंट जिसके लिए कुछ अच्छे सवाल हैं उसको रिवाइज करा दे रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि द करंट कंडक्टिंग करंट की करंट किसी कंडक्टर में जा रहा है I बराबर 2V+3 ये जो है करंट इंस्टेंटेनियस करंट है। ऐसा इंस्टेंटेनियस करंट जो होता है होता है dQdt। क्या होता है dQdt तो dQ की जो वैल्यू हो जाएगा I इंस्टेंटेनियस dt लिमिट खास पड़ेगा 2 से 3 प्लस हो जाएगा 3 ये हो जाएगा dQ/3 लिमिट पड़ेगा 2 से 3 3 से 3 कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो क्यू टोटल वैल्यू आ जाएगा जरा बताइएगा। लिमिट रखोगे तो 3 का 2 हो जाएगा 9 और 2 का 2 इसका हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 27 माइनस 8 इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 24 कूलम। मतलब टोटल चार्ज होगा कितना हो जाएगा 24 कूलम। सेकंड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड करंट का प्लॉट दिया गया है I वर्सेस टाइम ग्राफ। I वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है एरिया ऑफ I वर्सेस T ग्राफ। I वर्सेस T ग्राफ होता है टोटल चार्ज Q टोटल। तो अगर आपको चार्ज निकालना है तीसरे ग्राफ कर लोगे एरिया बताओ ये 1 यहां से है 2 यहां से हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 2 तो जो पहला चार्ज हो जाएगा Q1 उसका एरिया ले लीजिए A1 तो हो जाएगा 2×1 तो जो Q1 हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 गुना। अब इसका रिलेशन ये 3 यहां से है ठीक है ये 5 यहां से है रिलेशन हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ये हाई कौन हो जाएगी तो जो 2 हो जाएगा वो A2 एरिया बराबर हो जाएगा A2 बराबर हो जाएगा 2×1 ये हो जाएगा 2 गुना ठीक है। ये क्या बताना जरा ये 6 पूरा यहां से यहां तक है ठीक है और ये 8 यहां से यहां तक है ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 और ये हाइट कितना है A2 का ये आपका क्या है ट्रायंगल है इसका जो आ जाएगा Q3 चार्ज उसका एरिया ले लीजिए A3 1/2 2×2 ये खत्म हो जाएगा जो Q3 बन जाएगा हो जाएगा 2 कूलम। रेशियो पूछे हैं Q1 Q2 और Q3 का बताना जरा Q1 Q2 Q3 का रेशियो हो जाएगा 1:1:2 आपका जो आंसर लग जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट कहा कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कोर आर बी इन द इक्विटेशन ब्रिज कह रहा हूं इस ब्रिज का जो है इक्विटेशन ब्रिज बनाएंगे दिस वन और यहां के साथ एक आपने बैटरी लगा दिया बैटरी का लगा दिया एक इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम और बैटरी का जो वोल्ट है 7 वोल्ट ठीक है। कह रहे हैं कि ये आपका 30 ठीक है ये भी 30 ये कितना है 30 30 और 90 और ये आपका 30 30 90 और ये हो जाएगा 10 ये 10 30 और हो जाएगा आपका 30 ये भी और ये आपका 90 है। अगर हम जो मीटर इंक्रीज है ये आपका 5 ओम और ये जो है डिस्टेंस डिटरमाइन कर रहा है कि और इसकी वैल्यू कर रहे हैं बताना जा रहा है 20 और अपन 30 का रेशियो बताने कितना हो जाएगा 1:3 30 अपन 90 के रेशियो 1:3 अगर ये इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर होता है इन दोनों रेजिस्टेंस का तो इस वाले रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं जाता मतलब ये कहता सर्किट से टोटल करंट आई जरा यहां आने पर अगर I1 है यहां I2 है इस वाले ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाए क्यों क्योंकि इनके रेशियो बराबर है तो ये वाला जो पॉइंट होता है इसको मान लें इसको टी मान लें इससे पोटेंशियल होते हैं इस वाले रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं जाता है तो अगर करंट नहीं जाएगा तो ये दोनों सीरीज में जाएंगे तो 30 और 10 कितना हो जाएगा 40। अच्छा ये बताना जरा ये हो जाएगा 90 और 30 कितना हो जाएगा 120 ओम ठीक है। इसके साथ आप लगा दिए बैटरी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम उसका बैटरी 7 वोल्ट बताना 30 40 और किसमें होगा पैरेलल में तो आर इक्वल टू पैरेलल में कितना हो जाएगा 40 इनटू ये हो जाएगा आपका 120 और हो जाएगा आपका 160 मतलब कट जाएगा 4 टर्म्स में ये कट जाएगा 3 टर्म्स में मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस को हटाकर आप एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए कितने का
30 ओम का, ठीक है। उसके साथ एक बैटरी, उसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 5 ओम, तब सीरीज में होगा 30 और 5 35 ओम। ये 7 वोल्ट का बैटरी है, यहां से जो करंट चलेगा जरा बताइएगा वो कितना जाएगा, यहां तो 7 हो जाएगा 35 × I, तो जो I वैल्यू हो जाएगा 7/35, मतलब हो जाएगा 0.2 एम्पीयर। मतलब सर्किट से जो करंट चलेगा कितना जाएगा 0.2 एम्पीयर। आपका नीट यूजी 2013 पूछा गया सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है करंट इन कॉपर वायर, करंट इन कॉपर वायर है उसमें हम करंट दिया हुआ, ठीक है, कह रहे हैं कि उसका एरिया दिया हुआ है, कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी दी हुई है, ठीक है। बता जरा जो रो होता है वो होता है ई बाई जी, रेजिस्टिविटी होती है ई बाई जी, हमको यहाँ पर करंट डेंसिटी निकालिए तो हो जाएगा ई बाई रो। ई वन कितना दिया हुआ है 8.85 × 10⁻³ डिवाइड कर दोगे 1.7 × 10⁻¹, इसको डिवाइड करो 5 × 10⁵ आ जाएगा जे इक्वल जे, मतलब करंट डेंसिटी, मतलब करंट पर यूनिट एरिया, ये हो जाएगा आई अपॉन एरिया। तो आई इक्वल हो जाएगा जे इंटू एरिया, जे इक्वल 5 × 10⁵, एरिया इक्वल 2 × 10⁻¹ की है एमएम दिए हुए हैं। इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा यहाँ से 1 एम्पीयर, मतलब जो करंट की वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1 एम्पीयर। एम्स का सवाल है, कोई दम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ गया 5, कह रहे हैं कि 13 रेजिस्टेंस दिया गया है, कह रहे हैं कि उनको बताना है इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, इसके बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। तो जिनके बीच में स्टूडेंट निकालना चाहता है उनके परपेंडिकुलर लाइन के बीच में देखो यार, इस लाइन को देखो, इस लाइन के अबाउट डायग्राम जितना इधर बना हुआ है उतना इधर, मतलब इस लाइन के अबाउट ये जो है डायग्राम सिमेट्री में है, क्या है सिमेट्री में। यहाँ पर हम यूज करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्यों, क्योंकि जिस दो लाइन के बीच में निकालना होता है उनके परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इस लाइन के बाद जितना मतलब इमेज इधर बनेगा उतना ही इमेज इधर बन रहता है, ये जो लाइन है इक्विपोटेंशियल लाइन है, कि पोटेंशियल मतलब इन लाइन का जो है पोटेंशियल क्या है बराबर, अगर पोटेंशियल बराबर तो इस वाले रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं जाएगा, सब इक्विपोटेंशियल पर है, सब क्या जाएगा इसको आ जाएगा। तो आप ऐसे मान सकते हैं ये रेजिस्टेंस बता दे रहा, इसी डायग्राम को आप ऐसे बना दो, ठीक, एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, तीसरा रेजिस्टेंस ये, ठीक है, और इस डायग्राम को आप ऐसे मान सकते हो, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, मतलब जो है ये वाला रेजिस्टेंस है क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा, क्योंकि एक ही पोटेंशियल पर है, एक पॉइंट को हम क्या कर देंगे मिला देंगे, ठीक है। बताना चाहिए आपका आर 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 सब आर नहीं है, ठीक है, टोटली आर नहीं, तो वहाँ ये आर आर किसमें सीरीज में है, ये कितना हो जाएगा 4R, कितना हो जाएगा 4R। नीचे बताना ये आर आर किसमें है, ये भी सीरीज में है, ये हो जाएगा 2R, ठीक है। अब जा रही ये बताना ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2R। अच्छा नीचे वाला बताना जा ये जाएगा आर 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 4R, ये जाएगा 4R, ये आपका पॉइंट ए और ये आपका पॉइंट बी। बताना जरा किस में लगे हुए पैटर्न में, अब आर इक्वल कितना हो जाएगा, तो अब आर इक्वल निकाल सकते हैं आप 1/R = 1/4R + 1/2R + 1/2R + 1/4R, इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा 3/2R, कितना आ जाएगा, तो जो आर इक्वल की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा 2R/3, कितना आ जाएगा 2R/3, मतलब ए और बी को जो इक्वल रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 2R/3। बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द करंट, मतलब ये जो किरचॉफ करंट लॉ इसको बोलते हैं, और जंक्शन किरचॉफ का फर्स्ट लॉ बोलते हैं, किसी मतलब किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं जंक्शन लॉ, तो किरचॉफ का जो जंक्शन लॉ कहता है वो कहता है कि किसी जंक्शन पर नेट एल्जेब्रिक करंट का एल्जेब्रिक सम क्या होता है, जीरो होता है, या कह सकते हैं किसी जंक्शन पर जितना इनकमिंग करंट होता है उसका एल्जेब्रिक सम, उस जंक्शन से जितना आउटगोइंग होता है उसका एल्जेब्रिक सम बराबर होता है, तो तभी जंक्शन पर 10 एम्पीयर आ रहा है 6 एम्पीयर जा रहा है, तो जितना इनकमिंग करंट का सम उतना ही आउटगोइंग करंट होता है, तो यहां पर जो करंट जाएगा कितना जाएगा 4 एम्पीयर।
क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि इस जंक्शन पे 10 एम्पियर आ रहा है और इस जंक्शन से 6 एम्पियर और 4 एम्पियर जा रहे हैं, तो जितना जा रहे हैं उसका एल्जेब्रिक सम और जितना आ रहा है उसका एल्जेब्रिक सम बराबर होगा। तो 10 आ रहा है तो 6 जाएगा, 4 जाएगा, तब इसके एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। अब इस जंक्शन पर 1 एम्पियर आ रहे हैं, 4 एम्पियर जा रहा है, इधर कितना होगा? 5 एम्पियर, क्योंकि जितना इनकमिंग कर रहे हैं उतना ही आउटगोइंग कर रहे हैं। इस सेक्शन पर बताओ, इस सेक्शन पर 6 एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर भी आ रहा है, जितना इनकमिंग करंट उतना आउटगोइंग करंट, इन दोनों काट करो कितना हो जाएगा? 8 एम्पियर, क्योंकि इनकमिंग करंट का सम आउटगोइंग करंट के बराबर होना चाहिए। तो बताओ ये 5 एम्पियर और 8 एम्पियर दोनों इस सेक्शन पर आ रहे हैं, इन दोनों का सम किस आई के बराबर होना चाहिए? क्योंकि आई सेक्शन से जा रहा है और 5 एम्पियर और 8 एम्पियर सेक्शन पर आ रहे हैं, तो जो आई बराबर हो जाएगा इन दोनों का सम के बराबर हो जाएगा 13 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 13 एम्पियर। काफी लोगों का आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में ऐड करते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन इसे करते हैं वोल्टमीटर, क्या करते हैं? वोल्टमीटर। अगर आपको वोल्टमीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस उसके सीरीज लगाते हैं, तो क्या बनता है? वोल्टमीटर। कह रहे हैं जो रेंज है 10 वोल्ट, मतलब तो वोल्टमीटर का वोल्टेज होगा वो जो V एकास गैल्वेनोमीटर प्लस V एकास रेजिस्टेंस, ये वैल्यू दी है 10 वोल्ट। अच्छा, V भी दिया है, कह रहे हैं कि जो है ये 1 वोल्ट कर रहे हैं कि जो है गैल्वेनोमीटर पर, हम कह रहे हैं कि ये हो जाएगा R। अच्छा, इसमें बताओ जब करंट रेशियो है तो V G मतलब वोल्टेज एक्रॉस गैल्वेनोमीटर, ये हो जाएगा आई जी इंटू जी, ये दी है 1 वोल्ट, तो पहले यहाँ से आई जी निकाल लीजिए, ये हो जाएगी आई जी की जो वैल्यू हो जाएगा वो जाएगा 1 बाई जी, मतलब सर्किट में जो करंट जा रहा है 1 बाई जी जा रहा है, स्टेन पे जाएगा तो 9 वी आर हो जाएगा आई जी इंटू आर बराबर हो जाएगा 9 बराबर आई जी बोल हो जाएगा 1 अपॉन जी इंटू आर, तो जो आर की वैल्यू हो जाएगी 9 जी, जो आप वैल्यू लगाओगे रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 9 जी। तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। जबकि आपको गैल्वेनोमीटर को चेंज करना हो वोल्टमीटर में, तो आप एक हाई रेजिस्टेंस उस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज लगाएंगे, तो कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा? वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें जो है बहुत ही स्मॉल करंट को रीड करता है, इसमें इसमें बहुत ही स्मॉल करंट जाता है, इसमें गया आई जी, इसमें कितना जाएगा? आई माइनस आई जी। ठीक है, बताओ दोनों पैरेलल लगे होंगे, दोनों के थोड़ा सा वोल्टेज बराबर होगा, क्यों? क्योंकि दोनों में पैरेलल लगे होंगे, तो आप लगा दे दोनों को पैरेलल, V1 बराबर V2, पता ना इसमें करंट जा रहा है आई जी, इसका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का जी बराबर, इसे बताओ जो सेंटर से उसमें करंट आ रहा है आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी, इसका जो है रेजिस्टेंस उसको मान लीजिए मैंने अलग वैल्यू दिया हुआ है, ये आपका 36 है, आई माइनस आई डी, इसकी वैल्यू जो शंट रेजिस्टेंस लगा रहे हैं कितना है? 4 ओम है, तो बताओ 4 से कट जाएगा 9 टाइम्स में, तो 9 आई डी इधर आ जाएगा, तो प्लस आई डी हो जाएगा बराबर आई, हमसे पूछे हैं आई डी बताओ कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 10 आई, 10 आई डी बराबर आई, हमसे पूछे हैं आई डी अपन आई की वैल्यू पूछे हैं, तो जाएगा 1 बाई फ्रैक्शन पूछे हैं आई जी अपन आई जी का फ्रैक्शन, तो जाएगा 1 बाई 10। तो जब भी आपको अमीटर बनाना हो गैल्वेनोमीटर से, तो गैल्वेनोमीटर के साथ एक स्मॉल रेजिस्टेंस होते हैं शंट रेजिस्टेंस, कहाँ लगाएंगे आप? पैरेलल में लगाएंगे, ये कॉम्बिनेशन बोलते हैं अमीटर, क्या बोलते हैं? अमीटर। नाइन देख लीजिए, कह रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आर ओम, कर रहे हैं कि मेल्टेड एंड स्ट्रेच एन टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ विद इन द न्यू रेजिस्टेंस, कह रहे हैं कोई वायर है, जैन यू प्रोफेसर ने पूछा गया सवाल है, ये मतलब कोई वायर है, ठीक है, इसका लेंथ एल, एरिया ए, रेजिस्टिविटी आर, इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो आर हो जाएगा रो एल अपॉन एरिया, कह रहे हैं कि इस वायर को आपने क्या कर दिया? स्ट्रेच कर दिया, खींच लिया, इस वायर को आपने खींच दिया, बताओ, और वायर को खींच दो, वायर है इसको खींच दोगे तो इसका मास तो वही रहेगा ना यार, मास तो चेंज हो गया, बस इसको बॉर्म चल जाएगा, मतलब जो एरिया यहाँ पर मोटी रहती गई थी और पतली हो जाएगी, और पतले क्योंकि आपको क्या कर लेंथ बढ़ा दिया, लेंथ बढ़ा दिया एरिया क्या हो जाएगा, जो प्रोसेक्शन है वो कम हो जाएगा, देखिए मास वही रहेगा, यहाँ पर लगाते हैं मास कंजर्वेशन, क्या लगाते हैं? एम इनिशियल बराबर एम फाइनल,
तो आप डेंसिटी तो लेगा तो रो वॉल्यूम इनिशियल रो वॉल्यूम फाइनल रो सो रो कैंसिल तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा एरिया इनटू लेंथ ठीक है बराबर ये हो जाएगा एरिया फाइनल इनटू एल फाइनल अब बताओ एल फाइनल कितना हो जाएगा उनको पता है कि एन टाइम्स हो गया जो लेंथ है वो इनिशियल ए कितना हो गया एन टाइम्स कर दिया उन्होंने मतलब एल फाइनल इनिशियल के एन टाइम्स हो गई तो बताओ एरिया कितना हो जाएगा तो ए इनटू एल बराबर हो जाएगा एन इनटू एल इनटू ए फाइनल एल करने तो एरिया जो है हो जाएगा ए बाई एन जो एरिया हो जाएगा ए बाई एन अब इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा मान लीजिए आर मान रो लेंथ हो जाएगा एन अच्छा एरिया हो जाएगा ए अपॉन एन ऊपर चला जाएगा तो जो आर नॉट आ जाएगा वो एन स्क्वायर रो एल अपॉन एरिया इसका वैल्यू बताओ इनिशियल आर तो जो आर नीम आ जाएगा और नॉट वो एन स्क्वायर आर मतलब पहले वाले रेजिस्टेंस का एन स्क्वायर हो जाएगा जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो पहले वाले एन का एन स्क्वायर हो जाएगा तो नीट 2007 पूछा गया कोई दिक्कत नहीं कितना है फिर वैसे क्या बताओ ये जाएगा आपका माइनस टू इंटू आई पहुंच गया जीरो पर हो जाएगा छह बराबर हो जाएगा थ्री आई तो जो आई हो जाएगा टू एम्पियर जो आई हो जाएगा मतलब सर्किट में जो करंट आ रहा है वो तो फिर बताओ अगर वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस नहीं दिया बताओ यहाँ से करंट आएगा तो ऊपर क्यों क्योंकि वोल्टमीटर का ऐसा आइडियल है वोल्टमीटर आइडियल और आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है मतलब उसमें कोई करंट नहीं जाता इसलिए करंट यहाँ सीधे यहाँ जाएगा ऊपर हमसे पूछे रीडिंग यहाँ कोई पॉइंट मान लीजिए ए क्या मान लीजिए ए से चलो ए बार किरचॉफ का वोल्टेज लगा तो ए से चलिए यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा वी ए ठीक है मतलब वी ए जा रहा है प्लस से मैं ड्रॉप हो जाए कितने का 18 वोल्ट का प्लस से मैं ड्रॉप करंट इधर आ रहा है लेकिन आप करंट करंट इधर है इस डायरेक्शन में लेकिन आप जा रहे हो करंट का कोई डायरेक्शन में करंट आ रहा है इस डायरेक्शन में जब भी करंट के रजिस्टर में रजिस्टर कहता है कि आप जब करंट के लॉन्ग जाओगे तो मैं पोटेंशियल ड्रॉप करता हूँ आई आर लेकिन जब करंट के अपोजिट आओगे तो मैं पोटेंशियल रेज करता हूँ कितना आई आर जब करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप करता है कौन रेजिस्टेंस लेकिन करंट जब वही डायरेक्शन में आओगे तो पोटेंशियल रेज होती है तो मतलब माइनस करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसके अपोजिट तो प्लस हो जाएगा कितना आई हुआ आई वैल्यू कितना 2 एम्पीयर रेजिस्टेंस कितना दिया है ये 2 ठीक है बताना ये जाएगा इसको माइनस इसको प्लस प्लस मतलब माइनस से प्लस जाओगे तो पोटेंशियल हो जाएगा रेज कितना वी पहुंच गए वी है ए पर तो वी से वी कैंसिल हो गए यहाँ बताना जब वी आ जाएगा वोल्टमीटर रीडिंग का तो कितना 14 वोल्ट बराबर आ गया इस वाले बार में कोई भी करंट नहीं जाएगा वी टू से मिले तो खाल करें या डिवाइड करो 5 बाई 10 बराबर कितना जाएगा 10 बाई 20 क्या 1 बाई 2 आ रहा है मतलब ये रेशियो पास बराबर है अगर रेशियो बराबर है बताओ ये जो बी एंड सी है पोटेंशियल एट बी बराबर पोटेंशियल एट सी दोनों पोटेंशियल बराबर है जब पोटेंशियल बराबर तो करंट फ्लो करेगा ना क्योंकि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल बताओ जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं मतलब इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा मतलब यहाँ से करंट गया तो कुछ करंट इधर चला जाएगा कुछ करंट इधर चला जाएगा एक इसमें कोई करंट नहीं जाएगा मतलब अगर इसमें करंट जाए तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस किसमें जाएंगे सीरीज में तो 5 और 10 कितना हो जाएगा 15 5 और 10 कितना 15 ओम ठीक है बताना जाए 10 और 20 ये हो जाएगा 30 ओम ठीक है उसके साथ अगर लगा दिए 5 वोल्ट का बैटरी बताओ इसमें हो गए बैकग्राउंड में आई में बताना जाएगा आर ऑन आर टू प्लस आर टू तो ना आर वैल्यू 15 इंटू 30
15 3 ऐड कर दे 45 15 3 जा 45 हो जाएगा के ना तो आर इक्विवेलेंट बोलवे कितनी जाएगा के ना अभी तो आर इक्विवेलेंट 10 बताओ ये आपका जो कितना है 5 वोल्ट तो आप सीधे लगा दो 5 बराबर 10 इनटू आई तो जो आई को मिला हो जाएगा 5/10 0.5 एम्पीयर कितना जाएगा 0.5 एम्पीयर मतलब सर्किट से जो करंट चलेगा तो कितना चलेगा 0.5 एम्पीयर ये दूसरे सर्किट से करंट फर्स्ट पार्ट नीट 2018 पूछा गया था कोई दम नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आज एक कह रहे हैं फाइंड करंट इन 20 ओम कह रहे हैं इसमें करंट बताना है तो आप क्या करिए ना देखो इसको पहले एक इन ओवर आई इक्विवेलेंट ईएमएफ इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे बनाते हैं अगर कई सारे बैटरी हूं इक्विवेलेंट ईएमएफ बना दिए इक्विवेलेंट ईएमएफ बनता है E1 अपॉन उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 E2 उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 ठीक है अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इक्विवेलेंट अगर एक से ज्यादा बैटरी सर्किट में हो तो आप इक्विवेलेंट बनाइए अगर इस तरह से दिया होता तो बताना जरा जो इक्विवेलेंट आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 अपॉन 10 ठीक है फिर बताना 10 अपॉन 10 EMF उसका इंटरनल रेजिस्टेंस EMF उसका इंटरनल रेजिस्टेंस EMF उसका इंटरनल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय 1/10 1/10 इस वाक को आ जाएगा 10 वोल्ट मतलब यह है कि इन दोनों को हटा कर आप एक लगा दीजिए कितने का 10 वोल्ट का कितना 10 वोल्ट का जो हो गया 10 वोल्ट बताओ ये 10 ओम और ये 10 ओम किस में लगेगा पैरेलल में 10 10 बताओ 10 10 कितना आ जाएगा 100 10 * 10 100 / 10 + 10 20 ये जाएगा 5 ओम तीन दोनों फटाक लगा दिया रेजिस्टेंस भी लगा दिया 5 ओम और नीचे डिवाइड लगा दिया कितना 20 ओम का रेजिस्टेंस किरचॉफ वोल्टेज लगा कौन से तो 10 माइनस 20 आ जाएगा सीरीज लगेगा तो जाएगा 25 आई बराबर 3 तो जो आई इक्वल हो जाएगा बताओ 10 अपॉन 25 तो कितना आ जाएगा 2/5 तो जो करंट आ जाएगा इस वाले रेजिस्टेंस में कितना आ जाएगा वो 2/5 सेकंड ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन एम्स तो एक्स फाइव का सवाल उसमें बताओ अगर यहाँ से करंट निकला यहाँ पे जाएगा लेकिन इसके नीचे नहीं जाएगा क्यों क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है मतलब यही से निकल जाएगा अगर यही से निकल जाता है 10 ओम का रेजिस्टेंस 10 वोल्ट की बैटरी कैसे करंट का 10 बराबर 10 * I1 तो I1 को हो जाएगा कितना आ जाएगा 1 एंपियर कितना आ जाएगा 1 एंपियर अगर 1 एंपियर बताओ इसका थोड़ा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उतना ही होगा इतना इस रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा कितना होगा तो की बार आई टू बार सी बताना जा रहा है V1 कर लो I1 / 1 * 10 कितना आ जाएगा 10 वोल्ट आ जाएगा मतलब इसके वोल्ट मीटर रीडिंग 10 वोल्ट और एमीटर रीडिंग 1 एम्पीयर इसमें देख लीजिए इन्होंने क्या किया है कि एक 10 ओम वोल्ट मीटर का लगा कर दिया ये 10 ओम अलग से किया है वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस नहीं है बताओ 10 ओम ऐड कर दिया बताओ इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा तीसरी बात को गुमराह करने के लिए लगाया गया है क्यों लगाया गया केवल आपको गुमराह करने ताकि आप भटक जाओ गुमराह हो लेकिन आप गुमराह होंगे नहीं क्योंकि एक बार बताया था कि अगर रेजिस्टेंस नहीं दिया हो तो आर इनफाइनाइट होता है उसमें कोई करंट जाता है चाहे आप एक लगाए चाहे दो लगाए चाहे तीन लगाए उससे कोई मतलब नहीं है सर्किट से जो करंट चलेगा वो सीधे ऐसे निकल जाएगा इस वाले ब्रांच को कोई करंट नहीं आएगा बताना जा रहा फिर कहेंगे 10 वोल्ट की बैटरी 10 ओम का रेजिस्टेंस तो 10 बराबर 10 * I2 तो क्या I2 वैल्यू V1 एंपियर आ रही है I2 वैल्यू एंपियर बताओ इसमें कितना वोल्टेज होगा V बराबर I2 बार से तो V2 बराबर I2 बराबर जरा करना 1 * 10 कितना जाएगा 10 वोल्ट मतलब इसमें भी रेटिंग कितनी रही 10 वोल्ट इसमें भी रेटिंग 10 वोल्ट इसमें करंट का रेटिंग 1 एंपियर इसमें करंट का रेटिंग 1 एंपियर क्या आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है यस नीट ओडिशा में पूछा गया सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं इन द गिवन सर्किट कह रहे हैं कि हीटर बताना है कह रहे हैं कि फाइंड द रेजिस्टेंस आर इन फोटो से कह रहे हैं कि इसके बारे में बतानी है बताओ रे ये हीटर है हीटर का इन्होंने दिया हुआ है कि इसका पावर 1000 वोल्ट है और इसका वोल्टेज ये जो पावर दिया जाता है और जो 100 वोल्ट ये रेटेड होता है कैसा होता है मतलब प्रिंटेड होता है मतलब हीटर पे ये प्रिंटेड रहते हैं इन्फॉर्मेशन से दी जाती है ताकि आप उस हीटर का क्या निकाल लीजिए रेजिस्टेंस क्या निकाल लीजिए रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे 20² / 20 20 का बताना 100 * 100 पावर है 1000
2.0, 2.0, 1.0, 1.0 तो जो आ जाएगा दिए रखिए उस हीटर भी, ताकि आप उसे हीटर क्या कर दीजिए रेजिस्टेंस इन्फॉर्मेशन उसका वोल्टेज 100 वोल्ट का है चाहे पावर है उसको प्रिंटेड होती है, ताकि आप उसका रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा 10 ओम, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो कितना है, तो आप कैसे निकाल सकते हो क्या होता है V² / R, ठीक है, तो V का वैल्यू पीक वैल्यू कितना दिया इन्होंने, कितना का निकला 62.5 × R/10 यहां से आ जाएगा 625 वोल्ट, जो V का वैल्यू 25 वोल्ट आ जाएगा, कितना जाएगा मतलब ये है इसके पास कितना होगा 25 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, ये दोनों पहले लगे थे इसके पास भी कितना हो जाएगा 25 वोल्ट हो जाएगा, तो अगर ये 25 ड्रॉप कर ले हीटर रेजिस्टेंस को तब ये कितना ड्रॉप करेगा, इसके 25 करेगा क्यों, क्योंकि दोनों को मिलाकर 100 ड्रॉप करना है, इस रेजिस्टेंस और हीटर को मिलाकर 100 वोल्ट ड्रॉप करना है, हीटर ने 25 वोल्ट ड्रॉप कर दिया कितना करेगा 75 वोल्ट, इसमें करंट निकल लीजिए कैसे निकालोगे V बराबर I × R से 75 बराबर I × R / 10 ओम, जो I वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 7.5, मतलब यहाँ से जो करंट चला कितना चला 7.5, इसमें जाकर करंट निकाल लीजिए, इसमें पोटेंशियल में 25 × I को मान लो, तो जो I2 वैल्यू आ जाएगा 2.5 mA, मतलब इसमें जो करंट जा रहा है 2.5, यहाँ पर सर्किट पर जो करंट आ रहा है जंक्शन पर जो करंट आ रहा है कितना आ रहा है 7.5 करंट आया, 2.5 ऊपर चला गया तो नीचे कितना जाएगा 5 mA, क्योंकि इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, 7.5 इस जंक्शन पर आया और 2.5 चला गया तो नीचे कितना जाएगा 5, आप यहाँ से यहाँ की लगा दिए बराबर आई हुआ और इसे बताओ 25 ड्रॉप कर रहा है करंट 5 × R, तो जो R की वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 में आ जाएगा, तो जो रेजिस्टेंस हो जाएगा तो जाएगा 5, बढ़िया सवाल है ये इसको यार बाद का सवाल नेक्स्ट आज के सेशन का आखिरी सवाल बढ़िया सवाल है करें कि द रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्टमीटर, जब फिर बोल दिया ना आइडियल बोला है तो मतलब उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है इनफाइनाइट, मतलब उसमें कोई भी करंट नहीं जाए, मतलब यहाँ से करंट चला आई सर्किट से तो यहाँ जाएगा I1 मान लेते हैं, इसमें गया I2, लेकिन इस तरह ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, कोई करंट नहीं जाएगा तो होता है दोनों किस्म हो जाएंगे सीरीज में, तो 20 और 30 किस्म हो जाएगा सीरीज में, मतलब 50 कितना हो जाएगा 50 में, अच्छा इसमें कोई कह रहे थे 20 और 30 ये भी सीरीज में हो जाएगा 50 में, ठीक है हमसे रीडिंग पूछे हैं, आप यहाँ कोई पॉइंट मान लीजिए ओ, ठीक है यहाँ कोई पॉइंट मान लो पी, तो ये डिफरेंस जो होगा वही होगा इनका रीडिंग, फिर ऐसे अब बताओ करंट जा रहा है किधर राइट साइड, अब जा रहे हो राइट साइड तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना माइनस I × R प्लस हो जाएगा 25/20 जाएगा माइनस 30/25 कहाँ पहुंच गया V8P, तो VO और VP का जो डिफरेंस हो जाएगा बताओ कितना जाएगा, ये हो जाएगा 10/25 मतलब आ जाएगा 0.4 वोल्ट, मतलब VO माइनस VP जो है रेटिंग होती है वोल्टमीटर की कितना हो जाएगा 0.4 वोल्ट, आपका जो आंसर आ जाएगा कितना जाएगा 0.4 वोल्ट, ये भी 2020 से पूछा गया सवाल है, कोई दम नहीं, तो ठीक है आज का आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल